डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। ठीक है, आप ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अभी एक्सरसाइज 12.3 यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। 12.3 के एक्सरसाइज में जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, इस 12.3 एक्सरसाइज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन ना आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। इस तरह का फिगर है, आप देख पा रहे हो ना, ये चारों तरफ रोड है। ठीक है, ये यहाँ पर किनारे पर एक अर्धवृत्ताकार है, इसको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्ताकार बन रहा है, दोनों किनारे पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, अंदर वाला का ई एफ जी एच, और इधर बाहर वाला का इसका नाम दे देते हैं पी, अंदर वाला का क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, इसका नाम दे देते हैं एस, कुछ भी नाम दे दीजिए, इतना सारा नाम दे दीजिए। अब इससे आपको पता चल रहा है कि जो ऐसा रास्ता है, दौड़ने का एक रास्ता है, पथ है, रेसिंग पाथ जिसको बोलते हैं, रेसिंग ट्रैक, इसमें बायां और दायां सिरा पर दोनों अर्धवृत्ताकार लगाया है। देख रहे हैं, अर्धवृत्त अर्धवृत्त जैसा लगाया हुआ है, ऐसा रास्ता है। फिर लिखा है दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसका मतलब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर है, यहां से लेकर आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 60 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अब रेखाखंड का मतलब क्या हुआ, ये जो रेखाखंड यहां से यहां तक है, ये भी 106 मीटर लंबा है, यहां से लेकर यहां तक, और ये भी 106 मीटर लंबा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला जा रहा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये रास्ता जो है ना कितना चौड़ा है भाई, तो ये जो रास्ता है 10 मीटर चौड़ी है, ये रास्ता इधर भी 10, इधर भी 10 मीटर चौड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 मीटर, सब रास्ता जो है ना 10 10 मीटर चौड़ा है, यहाँ पे भी आपको 10 मीटर का चौड़ा रास्ता मिलेगा, रास्ता का लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, तब क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कि आंतरिक किनारों की लंबाई है ना, एक एक चक्कर लगाने में कितना दूरी हमको तय करना पड़ेगा। तो आंतरिक यहाँ लिखेंगे, पथ के आंतरिक आंतरिक किनारों की कुल लंबाई निकालना है। ठीक है, आंतरिक किनारों की कुल लंबाई निकालनी है कि कितनी होगी। तो पथ के आंतरिक किनारों की कुल लंबाई निकालना, इसका मतलब आप समझिए क्या बोला जा रहा है। पथ के आंतरिक किनारे का मतलब, यहां से अगर दौड़ा तो यहां से ये आया, फिर ये आया, यहाँ से ऐसे, फिर जो हमारा पिन चल रहा है वहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर वहीं तक पहुँच गया, तब इसको बताना है कि कितना इसको दूरी तय करने में लगा, कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, तो ये वाला अगर 60 मीटर का दूरी है, तो इस अर्धवृत्ताकार के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर होगा, आधा अगर करेंगे तो, यानी कि इसको हम त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है,
किसके लिए त्रिज्या हुआ? ये इसके लिए त्रिज्या। अगर हम बाहर के लिए बात करें तो दूसरा होगा। अंदर अंदर का त्रिज्या हम लोगों का 30 मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्यों ऐसा 30 हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, तो आंतरिक के लिए आंतरिक त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो हम लिखिए, देखिए यहाँ लिख देते हैं, आंतरिक वृत्त की, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो 30 मीटर, क्योंकि टोटल तो 60 है और 60 का आधा करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो 30 मीटर तो मिल गया हम लोगों का त्रिज्या। उसके बाद हम लोग काम क्या करेंगे, तो आंतरिक किनारों की कुल लंबाई निकालना है। तो कुल लंबाई एक होगा EF, EF प्लस FRG प्लस GH प्लस HQE। तो कुल मिलाकर हम लोग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, सबको क्या करेंगे हम लोग, सबके लंबाई को ऐड कर देंगे, ठीक है। EF को, FRG को, GH को और HQE को, सबके लंबाई को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए EF कितना है भाई हम लोगों का, तो E से लेकर F तक की लंबाई 106 है, तो यहाँ 106 रख देंगे। FRG कितना है, तो FRG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमिति का क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है, याद रखिए। परिमिति किसको कहते हैं, तो परिमिति चारों तरफ वाले को बोलते हैं। तो पूरा का परिमिति होता है 2πr, लेकिन आधा का अगर बात करें तो खाली होता है पाई आर, याद रखिएगा। तो ये अर्धवृत्त का है ना, तो अर्धवृत्त का यहाँ से लेकर यहाँ तक के एफ आर जी का वैल्यू कितना होगा, पाई आर, प्लस जी एच कितना, तो जी से लेकर एच तक के 106, क्योंकि ये 106 है, उसके सामने वाला 106 होगा, प्लस एच क्यू ई, तो एच क्यू ई ये भी कितना होगा, अर्धवृत्त बन रहा है, तो पाई आर। अब यहाँ 106 का 106 और 106 दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 212 प्लस पाई आर और पाई आर, कितना पाई आर, तो 2πr। अब 212 का 212, 2 का 2 लिखिएगा, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान कितना होगा, तो आर का वैल्यू 30 होगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उतना मीटर सॉरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे, इसमें दो क्वेश्चन बोला जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो भाई, पथ का क्षेत्रफल, पथ का मतलब कौन सी, रास्ता, ठीक है। अब रास्ता इसमें से कितना कितना है, पूरा रास्ता तो यहाँ से, जैसे मान लिया कि ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता को अगर जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सुनिए। तो पथ का क्षेत्रफल जो है, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल भाई, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझिए। चूंकि ये वाला जितना पथ है ए बी एफ ई का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ए भी होगा, क्योंकि उसके सामने है, ठीक है। तो उसके सामने वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है कि नहीं, तो अगर जितना ये वाला क्षेत्रफल होगा उतना ही ना ये भी क्षेत्रफल होगा। इसलिए इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो छायांकित भाग है, यानी कि वही ना रास्ता है, बीच वाला का थोड़े ना, बीच में थोड़े ना कोई चल रहा है, बीच में तो समझिए कि गड्ढा है, खाई है, हमको ये रास्ता का निकालना है। तो ए बी एफ ई का क्षेत्रफल जितना होगा, समझ रहे हैं, ए वी एफ ई का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही हम लोगों को ए वी होगा। तो लिख सकते हैं 2 गुना चतुर्भुज कौन का, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि इसका और इसका दोनों का निकल गया, ठीक है। प्लस 2 गुने, 2 गुने अगर इसका हम निकालेंगे
तो इसका भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों अर्धवृत्ताकार ही है, तो इसका क्षेत्रफल जितना निकालेंगे रास्ता का, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो इधर और इधर दोनों वाला का हमको निकल जाएगा। तो 2 गुने क्या लिखेंगे, ए पी डी एच क्यू ई ए का क्षेत्रफल, यहाँ से लेकर ऐसे 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 का क्षेत्रफल, इसका नाम होगा ए पी डी, फिर एच क्यू ई ए का क्षेत्रफल, ए पी डी एच क्यू ई ए, कहाँ से कहाँ तक, तो ए पी डी एच क्यू ई ए का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल अब हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए 2 गुने ये एक आयत बन रहा है, ए बी एफ ई क्या है, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यह एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है, प्लस 2 गुने, ये क्या बन रहा है भाई, तो एक अर्धवृत्ताकार बन रहा है। तो अगर पूरा वाला ये अर्धवृत्त में से छोटा वाला अर्धवृत्त को अगर घटा देंगे, सुनिए, तो ये बड़ा वाला अर्धवृत्त जो है और छोटा वाला अर्धवृत्त में से अगर घटा देंगे तो ये बीच वाला मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, इसको छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो क्यों हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये हम लोग ये अर्धवृत्ताकार है, ये बड़ा वाला अर्धवृत्ताकार यहाँ से लेकर ये बड़े अर्धवृत्त है और ये छोटा अर्धवृत्त है, तो बड़े वाला में से अगर छोटे वाला को घटा देंगे तो ये हम लोगों को रास्ता का मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो क्या मिलेगा, जरा इस पेज पे देख लीजिए। तो यहाँ क्या है, 2 गुने लंबाई 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका कितना होगा भाई, तो इसका अर्ध सॉरी चतुर्भुज का लंबाई 106 गुने चौड़ाई इसका कितना, तो जितना रास्ता चौड़ा है, रास्ता तो 10 मीटर चौड़ा है, तो गुना में 10 प्लस, अब 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अब बड़े अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल वही होगा, हाफ गुने पाई आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2। लेकिन ये बड़ा अर्धवृत्त है तो उसको समझिए, बड़ा अर्धवृत्त का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक आगे कितना होगा 10, तो बड़ा वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 30 और 10 मिलकर 40, लेकिन छोटा वाला का खाली 30, क्योंकि यहीं से यहीं तक देखना है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख दे रहे हैं कि बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 30 में 10 को जोड़ दीजिए तो 40 मीटर, इसलिए बड़ा वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या आर के जगह पे 40 रखिएगा, छोटा वाला आर के जगह पे 30 रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा 2 गुने 106 को, तो 110 1060 हो जाएगा, प्लस 2 गुने पाई के जगह पे क्या रखिएगा, 22/7 गुने ई वाला 2 है, तो 1/2 गुने r² तो आर स्क्वायर का मैंने 40 का स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे 1/2 गुने पाई के जगह पे 22/7 गुने अब की 30 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट, इसको तो आप गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2120, ठीक है, 2120 प्लस, इसका तो काम हो गया 2 गुने, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 और 1/2, यहाँ पे भी 22/7 1/2, तो ऐसा कर लीजिए कि 2 तो पहले ही से बाहर था, 22/7 को भी और 1/2 को भी बाहर कर लीजिए, इसमें से 22/7 1/2 को बाहर कर लिए तो अब अंदर में बच गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2120 प्लस में कितना, तो 22/7 और गुना में कौन ची, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो 1600 में से 900 गया तो कितना बच गया, तो ये 22/7 और ये हो जाएगा 700
और 100 से 100 बार में कट गया तो ये हो जाएगा 2120 माइनस 2200, ठीक है, सॉरी 2200। हाँ तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे, सॉरी जोड़ लेंगे ना, क्योंकि हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 9, आकृति 12.27। जी हाँ, हम यहाँ पे बनाए हुए भी हैं, कॉपी पे देख पा रहे होंगे, ये आकृति है 12.27 का NCERT के बुक में। अब ए बी और सी डी क्या है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त का दो परस्पर लंब व्यास है। देखो भाई, ए बी और सी डी, तो इसका नाम ए है फिगर में, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। ए बी और सी डी दो क्या हैं, एक परस्पर लंबवत व्यास हैं, यानी कि सब आपस में क्या है, लंब हैं एक दूसरे पर। इसी को लिए बोला गया कि व्यास भी है, ध्यान रखना, ये व्यास भी है और आपस में लंब भी है, ठीक है। मान लिया ऐसा भी रहता कि ये भी देख लो व्यास है वृत्त के केंद्र से, ये भी व्यास है लेकिन आपस में थोड़ा ना लंब है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि आपस में सभी क्या है, लंब है और वृत्त का जो केंद्र है वो ओ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए क्या बोलता है, अच्छा फिर बोल रहा है कि ओडी छोटा वृत्त का व्यास है। देख लो भाई, ओ से लेकर डी तक का एक व्यास है छोटा वाला वृत्त का, ये छोटा वृत्त है, इसका व्यास ओडी है, ओ से लेकर डी तक, तो इसका त्रिज्या केंद्र बीच में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि OA जो है 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अब OA का मान, तो O से लेकर A तक के मान कितना है, इसका O से लेकर A तक के मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आप बताइए, तो त्रिज्या ना हुआ O से लेकर A तक का, यानी कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया, तो ई भी बड़ा वृत्त का त्रिज्या ही ना है OC, ई भी कितना होगा 7, और O से लेकर B तक भी कितना होगा 7, क्योंकि ई भी तो त्रिज्या है ना भाई, और O से लेकर D तक भी होगा 7, समझ रहे हैं, क्योंकि OA जो है त्रिज्या दिया हुआ है, इसलिए सभी का मान कितना हो गया 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बड़े वृत्त का त्रिज्या दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, लेकिन छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो आप समझ पा रहे हैं छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो ओडी जो है इस छोटा वृत्त का व्यास ना है, और इसका 7 हम पूरा कह रहे हैं, तो व्यास का आधा होता है, तो इसलिए 7 का आधा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, किसका, तो ये छोटा वृत्त का त्रिज्या। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसको किसको देखेंगे, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पूरा को छायांकित किया हुआ है, पूरा एकदम कलर किया है, और फिर इधर ई वाला कलर किया है, तो ई तो एक अर्धवृत्त बन रहा ना है, तो अर्धवृत्त में से ई वाला त्रिभुज को घटा लेंगे तब ई वाला दोनों छायांकित निकल जाएगा और इसको जोड़ देंगे, यानी इसको लिखेंगे हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटा वृत्त वाला तो जोड़ेंगे क्योंकि इसको ये छायांकित है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस प्लस अब क्या करेंगे भाई, तो ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन सा ए बी सी ए, ये अर्धवृत्त बन रहा है, यानी कि अर्धवृत्त ए बी सी ए के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कौन सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो छायांकित तो ई वाला पूरा वृत्त है और इधर वाला ई वाला, ई वाला छायांकित है, तो ये दोनों छायांकित है, तो इसको छायांकित निकालने के लिए पूरा अर्धवृत्त में से सोचो, ये पूरा अर्धवृत्त है,
अर्धवृत्त में से ई वाला त्रिभुज को अगर घटा लेंगे तो यही ना छायांकित बचेगा, तो ई वाला छायांकित अब ई वाला छायांकित को ऐड कर देंगे, यानी कि छोटा वृत्त वाला क्षेत्रफल के साथ जोड़ेंगे किसको, तो अर्धवृत्त वाला में से एबीसी त्रिभुज को घटा लेंगे तो इधर वाला बच जाएगा, इसको जोड़ देंगे। तो अब देखो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई छोटा रहे कि बड़ा रहे, बहुत बड़ा रहे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो अर्धवृत्त एबीसीए का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में दू माइनस, त्रिभुज एबीसी क्या है, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और यहां पे हम लोग चलाएंगे एक बटा दू गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ई भी आर है, ई भी आर है, लेकिन ये दोनों आर के बारे में पता होना चाहिए कि ई आर जो है ये छोटा वृत्त है, याद रखना छोटा वृत्त का त्रिज्या है, लेकिन ई वाला जो आर है ना भाई पाई आर स्क्वायर बाई टू अर्धवृत्त एबीसी ए बी सी ए बड़ा वाला वृत्त का ना त्रिज्या बनेगा, तो यहाँ याद रखना कि ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या वाला है, इसलिए इस आर के जगह पे तुम कितना रखेगा, छोटा वृत्त का त्रिज्या यानी कि सात बटा दू, और इस आर के जगह पे रखेंगे हम लोग कितना सात, तो यहाँ हो जाएगा बाईस बटे में सात गुने आर, आर कितना है भाई छोटा वृत्त वाला का त्रिज्या है सात बटा दू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ब्रैकेट यहाँ पे एक बटा दू लिख दो पहले, एक बटा दू और पाई के मान कुछ नहीं, देखो पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा कि कितना रखना है, तो 22 बटा सात हमेशा रखते हैं, अगर पाई का बोल दिया कि 3.14 ही रखना है तब जाकर यहाँ 3.14 रखेंगे, खैर ये सब तो जानते हैं। आर स्क्वायर, तो आर किसका है, ये बड़ा वृत्त, तो बड़ा वृत्त का कितना लेना है सात, तो यहाँ हम लोग सात का स्क्वायर करेंगे माइनस एक बटा दू गुने। अब देखो ए बी सी का आधार कौन है, तो ए बी सी का आधार तो यही ना हुआ, पूरा ए से लेकर बी तक आधार है, तो ई वाला सात और ई वाला सात, अगर हम त्रिभुज एगो ऐसे बनाते हैं, ई हम लोग त्रिभुज का लंब हुआ, इसको ऊंचाई भी कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आधार होता है और इसको ऊंचाई कह देते हैं, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग ए बी को क्या हुआ, ए बी सी का आधार कौन बनेगा, ए बी, और ये लंब है, सवाल में बोला कि ये सब व्यास जो है आपस में जो है कि लंब है, तो ए से लेकर बी तक के आधार कितना हो गया, तो ई वाला सात और ई वाला सात, टोटल कितना 14, और ऊंचाई कितना होगा भाई, तो ऊंचाई तो सात है, सात लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 22 बटा सात और सात बटा दो, सात बटा दो को दो बार लिख दीजिए, सात से सात कट गया, दो से 11 बार में कट गया, तो हो जाएगा 77 बटा में दो। अब इधर जोड़ देखिए, तो ये दो से कितना बार में कटेगा भाई, 11 बार में, ठीक है, तो 11 बटे में सात गुने सात गुने सात, सात से सात कट गया माइनस दो सत्ते 14, तो यहाँ हो जाएगा 49, 49, तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, जोड़ना है, तो 77 में से क्या करिए 49 को माइनस कर लीजिए, तो इस 77 में दो से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, द्वितीय के 6 एक साथ दो अट्ठे 16 और 5, है ना, और प्लस करना है 77 में से 49 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 28 हो जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 66.5 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था दोस्त क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्वेश्चन हम लोगों का 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब तीन चार दिन लगेगा तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला है, फिगर अच्छे से बनाइएगा, इसको एक्सप्लेनेशन अच्छा से करना है, ठीक है, और कैलकुलेशन है भाई, पहले ना फिगर में समझना पड़ेगा तुमको किसमें से किसमें घटाएंगे कैसे जोड़ेंगे, ये सब छायांकित भाग है, उसके लिए हमको यहाँ पर निकालना है। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।